अस्सलाम वालेकुम PIDAG के डिजिटल से मैं हूं मोहम्मद हनीफ। नजर डालते हैं सबसे पहले आज की अहम खबरों पर। वजीर आजम चौधरी अनवारुल हक की जेरे सदारत हम ख्याल ग्रुप की पार्लिमानी पार्टी का इजलास मुनक्किद हुआ। मेंबरान असेंबली ने आजाद कश्मीर के माली मामलात हल करने और सियासी मामलात को खुश उसलूबी से हल करने पर वजीर आजम को मुबारकबाद दी और वजीर आजम चौधरी अनवारुल हक की क्यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। इजलास में 17 अरकान असेंबली ने शिरकत की जबकि 3 अरकान असेंबली बजरिया टेलीफोन शरीक हुए। इजलास में काबीना की तशकील के हवाले से मुशावरत की गई। अरकान असेंबली ने वजीर आजम को तरक्याती और गैर तरक्याती बजट के हवाले से अपनी आरा दी। इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि आमदा बजट में तरक्याती बजट की मद में मुनासिब रकम मुख्तस की जाएंगी और गैर तरक्याती अखराजात को कम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाएगी कि पसमानदा इलाकों की तरक्की पर फोकस किया जाए। तालीम और सेहत के शोबों में बहुत काम करने की जरूरत है। इन शोबों में काम करने वाले अफसरान और अहलकारान को जज्बे से काम करना होगा क्योंकि इन दोनों शोबों की बेहतरी से बराह रास्त अवाम का ताल्लुक है और एक वेलफेयर स्टेट बनाने की जानिब अहम कदम के तौर पर इन शोबों की तरक्की आज हद जरूरी है। 9 मुंतखब मेंबर असेंबली सरदार ज़िया कमर ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर कानून साज असेंबली चौधरी लतीफ अकबर ने सरदार ज़िया कमर से हल्फ लिया। तकरीब आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में मुनक्किद हुई जिसमें मेंबरान असम्बली सैयद बाज़िल अली नकवी, सरदार जावेद अयूब, चौधरी आमिर यासीन, पीपी के मरकजी रहनुमाओं, साबिक उम्मीदवारान असम्बली, पीपल्स पार्टी के कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सरदार ज़ियाउल कमर को बड़ी रैली की सूरत में बाग से दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद लाया गया। सेक्रेटरी असम्बली चौधरी बशारत ने सरदार ज़ियाउल कमर का कामयाबी का नोटिफिकेशन पढ़कर सुनाया। तकरीब से खिताब करते हुए स्पीकर चौधरी लतीफ अकबर ने कहा कि बतौर स्पीकर कोशिश है कि तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से अपना भरपूर किरदार अदा कर सकूँ। मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान कश्मीर की आज़ादी का जामिन है। 9 मई को पाकिस्तान में जो हुआ वो काबिले मजम्मत है। ऐसे अमल को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। चौधरी लतीफ अकबर ने कहा कि सरदार ज़ियाउल कमर कानून साज असम्बली में बेहतरीन इजाफा है। 9 मुंतखब मेंबर कानून साज असम्बली सरदार ज़ियाउल कमर ने कहा कि हर सियासी कारकुन की ख्वाहिश होती है कि इस मुकद्दस ऐवान का हिस्सा बने। इस ऐवान में बड़ी कदावर शख्सियात ने नुमाइंदगी की है। मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस वक्त मौका दिया जब इस ऐवान में सीनियर लोग मौजूद हैं। भरपूर कोशिश करूंगा कि सुरखरू होकर अवाम के पास जाऊँ। तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से अपना भरपूर किरदार अदा करूंगा। पुरअमन और बेहतरीन माहौल में इलेक्शन के इनेकाद पर तमाम स्टेक होल्डर्स का शुक्रगुजार हूं। मेंबर असेंबली सरदार जावेद अयूब ने कहा कि सरदार ज़ियाउल कमर ने जीत कर तमाम कारकुनान की कि सरदार ज़ियाउल कमर की जीत तमाम कारकुनान की मेहनत की वजह से मुमकिन हुई जिन्होंने इनकी कामयाबी के लिए दिन रात एक किया। मेंबर असेंबली सैयद बाज़िल अली नकवी ने कहा कि अहलियान वस्तीबाग के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने पीपल्स पार्टी पर एतमाद किया और अपने वोट की हिफाजत की। तकरीब में साहबजादा जुल्फिकार ने शोदाए पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान के शोदा तहरीक आज़ादी की कामयाबी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद बेनज़ीर भुट्टो शहीद सानहा कारसाज के शोदा की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ करवाई। वज़ीरे हुकूमत राजा फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा है कि हवेली कोहूटा में खूबसूरत सियाहती मकामात हैं जिनको उजागर करने की ज़रूरत है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर मौजूदा बजट में टूरिज्म के फ़रोग के लिए वसी रकम मुख्तस करेगी जिससे टूरिज्म के फ़रोग में मदद मिलेगी। वज़ीरे हुकूमत फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा कि नील फ्री टूरिज्म फेस्टिवल में हज़ारों अफराद की शिरकत से आज़ाद कश्मीर और डिस्ट्रिक्ट हवेली में टूरिज्म को फ़रोग मिलेगा। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर भर से आए सहाफ़ी हज़रात इस खिते की खूबसूरती को सारी दुनिया में उजागर करें। आज़ाद कश्मीर एक खूबसूरत खिता है, यहाँ टूरिज्म का वसी पोटेंशियल मौजूद है। तमाम सयाहों का शुक्रिया अदा करते हैं। नील फ्री खूबसूरत सियाती मकाम है, यहाँ रोड पर काम तेजी से जारी है जिसे जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर पढ़े लिखे नौजवानों को आसान शराइत पर कर्जे मुहैया करेगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का नेरियां शरीफ उर्स से वापस जाने वाली ज़ायरीन की बस के हादसे में होने वाले जानी नुकसान पर गहरे रंज व गम का इजहार। वज़ीर आज़म ने कमिश्नर मीरपुर से हादसे की रिपोर्ट तलब कर ली। आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने नेरियां शरीफ उर्स से वापस जाने वाली ज़ायरीन की बस के हादसे में होने वाले जानी नुकसान पर गहरे रंज और गम का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने कमिश्नर मीरपुर से हादसे की रिपोर्ट तलब की और हिदायत की कि जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम की जाएं। वज़ीर आज़म ने मरहूमीन के बुलंदी दर्जात और पसमानदगान के लिए सब्र जमील की दुआ की। छतर आर्मी कैंप बाग के जेर एहतमाम कश्मीर सुपर लीग वॉलीबॉल टूर्नामेंट की इख्तितामी तकरीब में ब्रिगेड कमांडर बाग ब्रिगेडियर अमर मुख्तियार और डिप्टी कमिश्नर अब्दुल हमीद कियानी ने खुसूसी शिरकत की। फाइनल मैच फ्रेंड्स क्लब और शाहीन क्लब के दरमियान खेला गया। फ्रेंड्स क्लब ने दिलचस्प मुकाबले के बाद फाइनल अपने नाम कर लिया। मेहमानों ने खिलाड़ियों में इनामात और तारीफी सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररी ने कहा कि पाक फौज सरहदों की हिफाजत के साथ साथ खेलों को फरोग देने के लिए कोशिशें कर रही है जो कि लायके तहसीन है। पाक फौज के जवानों की लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत आज हम इस पुरअमन फिजा में सांस ले रहे हैं। कश्मीर सुपर लीग का इनका पाक फौज की काविश है जिसे न सिर्फ जिला बाग बल्कि पूरे कश्मीर के नौजवान और अवाम कदर की निगाह से देखते हैं। उन्होंने कहा कि नौजवानों को सेहतमंदाना सरगर्मियों के जरिए निखारने की जरूरत है।
PID डिजिटल से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स फॉलो कीजिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने गिबान।